Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. बेच दे साला, वो गाड़ी मैं बेच ही दूंगा। बेच दे मालिक माजी। किसकी माजी? अरे बाबा मालकिन कहाँ? मैं पूछती हूँ आपकी अगल कब ठिकाने पे आएगी, बताओ। क्यों मैंने ऐसा क्या किया, बताओ। मैंने पूछा क्या समझाया तुमने, हाँ क्या समझाया? क्यों हर शाम को ये सब बेकार की चीज ना पीने से तुम्हारा दिल नहीं भरता ना? बेकार की चीज? छी गौरी, स्वयं शिव जी के प्रसाद को तुम बेकार की चीज कह रही हो? अच्छा गौरी तुम बताओ, मैं शराब पीता हूँ? नहीं पीता। पीता हूँ क्या? पान सिगरेट बीड़ी मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। सिर्फ शाम के वक्त एक चिलम। नहीं चलेगा। अगर पीना इतना जरूरी है तो घर के बाहर जाओ, घर के बाहर जाके पियो, जाओ। इसी को कहते हैं औरत की अकल। क्या? नहीं मतलब तुम एक बात समझने की कोशिश करो। सोचो कि ये बाहर में अगर नशा करके मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो लोग आकर तुम्हें ही शिकायत करेंगे ना? नहीं मतलब तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा क्या? बातें ऐसे करते हो जैसे दिमाग में खून चढ़ जाए। नहीं चुप रहो, अच्छा नहीं लगता मुझे। सारी मुसीबत मुझे ही झेलनी पड़ती है। हर शाम को गंजा पी के धुन रहते हो। इतने बड़े मकान में एक भी आदमी नहीं है बात करने के लिए। मैं क्या इंसान नहीं हूँ? ये लो, किसने कहा तुम इंसान नहीं हो? अरे कौन साला बोला है कि? क्या मतलब किसने कहा कि तुम इंसान नहीं हो? ए गौरी, ओ प्यारी सुनो ना। देखो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ प्यारी। अरे तुम हो ना, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। नौटंकी नहीं। तुम थोड़ा धीरज रखो। मुझे ये चिट्ठी पढ़ लेने दो। किसकी चिट्ठी? तुम्हारी बेटी की चिट्ठी है। ओ माँ, किंकू कैसे है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। असल में उसने लिखा है कि डॉक्टरी का फाइनल एग्जाम चल रहा है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक इलैबोरेटली। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। अरे भाई मुझे कल का नोट दे दिया। चाय है? अच्छा चाय है कि कुछ और? तुम लोग जब डेट पे जाओगे ना तब मैं दिखाऊंगा बच्चों। क्लास तो कैसा था? अच्छा था। नहीं बेकार गया। अरे नहीं नहीं प्रोफेसर आया। ठीक है ना सब? और क्या, लोग वही बदमाश है दिन भर पढ़ाई करके। हेलो हाय। और वो तेरा नोट क्या हुआ?
बेटा फिर आया क्या? हाँ मेरे लाल, वो एक कहावत है ना, क्या अगर बनना है अच्छा तो दूध पियो बच्चा। पी लो। देख क्या कह रहे हो। अगर बनना है अच्छा तो दूध पियो बच्चा। सरासर गिर पड़े। धीरे 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 बेचारा वेरी बैडली इंजर्ड। दर्द हो रहा है? डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और सुनो तुम सब लोग, इसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, चलता हूँ। हाँ माजी, ओ माजी, कोयले की बोरी मैं कहाँ रखूँ माजी, बोलिए। अरे ओ गौरी, ये देखो तुम्हारा नंदू आ गया। रोज रोज एक बात करते 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 मेरा जीना हराम कर दिया। ए, ए, तुझे मालूम नहीं क्या कहाँ रहता है बुढ़ा खड़ूस कहीं का? भोला बनकर पूछ रहा है कहाँ रखो माजी, मेरे सर को ऊपर रखो। सुबह सुबह फिर वही पुरानी रिकॉर्ड बजनी शुरू हो गई। क्या क्या कहा तुमने? मैं पुरानी रिकॉर्ड बजा रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी वो बुढ़ा खड़ूस कितने सालों से, कितने सालों से है यहाँ पे? रोज रोज उसे एक ही बात बोलनी पड़ेगी। ठीक ठीक, इतनी बड़ी नाइंसाफी। ए बेटा बदतमीज, मालकिन से मजाक हो रहा है, हैं? मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बोलो बोलो, तुम्हारे प्यारे चमचे को समझा के बोलो। सिर्फ मैं ही बक 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 करती रहती ना, इसीलिए बात कान में घुसती नहीं है। अच्छी तरह से समझा दो। मेरी गाड़ी को साफ करके रखना है। जरूर। अच्छी तरह से साफ कर दूंगा मालिक। एक बात जो मैं कहने आया था वो तो भूल ही गया। फिर क्या बात हो गई? उस मोहल्ले में वो सीतानाथ जी के घर में ना कोई बिरजू बाबू आए हुए हैं। कौन सी अच्छी बात सुनाई? सीतानाथ जी के घर पे बिरजू बाबू आए हुए हैं तो उससे मुझे क्या? क्या क्या बोला? ओ बी बिरजू। हाँ बिरजू श्रीवास्तव। हाँ तो फिर सीतानाथ जी के घर पर क्यों? उसे तो मेरे घर पे आना चाहिए। अरे वहाँ पर क्यों गए वो? ये मुझे कैसे मालूम होगा, मुझे डांट रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, बोल रहा हूँ कि क्यों आया है कुछ पता चला? अरे ये सब मुझे कैसे पता होगा? तो मालिक हाँ? अब जाके मुझे समझ आया, मतलब उनकी लड़की के साथ आपका लड़का। बस बस बस, याद आया है, याद आया है। ए, नंदू नंदू, लगभग 20-22 साल पहले वो बिरजू से मेरी बात हुई। अच्छा? मेरे लड़के के साथ बिरजू की लड़की की शादी। अरे वो इस बात को भूला नहीं। मेरा सोनू। क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रहे हो। मेरी बात मानो, अभी तुम अच्छे दिख रहे हो। है नंदू। हाँ? क्या किया तूने? ये मुझे देखकर इतना हंस रही क्यों? मैंने क्या किया? आप ही ने तो मुझे धक्का मैंने दिया। धक्का दिया? हरामजादे, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हरामजादे देख। तू जरा सा हेल्प कर दे तो मसला हल हो सकता है। चल आ बैठ, इस बारे में सीरियसली कुछ सोचते हैं। नहीं मगर तू कर पाएगी ना? मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं उसे एकदम साइज कर दूंगी। ठीक है, मतलब एक ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवाब देना पड़ेगा। साले धोती में रस्सी बांध दिया था इसलिए हाथ में प्लास्टर और नाक में बैंडेज बांध के 15 दिनों तक इतना भुगतना पड़ा ना मुझे। उफ। तू फिकर मत कर आनंद भैया। मैं भी गोपालगंज की लड़की हूँ, उसे ना चक्कर न दिला दिया तो मेरा नाम भी। ठीक है ठीक है, जरूर आनंद। हाँ अरे क्या हुआ अचानक,
क्यों बुलाया मुझे? अरे ऐसे ही बैठना। अरे बैठ बैठ बैठ। हाँ इनसे मिल। ये मेरी ममेरी बहन उमा, आज ही आई है यहाँ घूमने फिरने। नमस्ते। सुन आनंद, हाँ आज मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। अरे हाँ? बैठना। अरे ये क्या, अभी चले जाएंगे? कब से आपके लिए इंतजार कर रही थी, जान पहचान भी नहीं हुई, बातें भी नहीं हुई, अभी चले जाएंगे। तेरा दोस्त कितना निर्दयी है रे आनंद भैया। निर्दयी? आनंद आज मैं चलता हूँ। अरे अरे बैठिए ना, ऐसे जाने के बाद मत कीजिए, क्या हमें तकलीफ नहीं होती? बैठिए ना बैठिए। ईश, ऐसे अतरंगी बेढंगी दिखने वाला अजीब इंसान तेरा दोस्त है आनंद भैया? कैसे जोकर की तरह दिखता है, गवार कहीं का। पता है उमा, ये शंकर ना बहुत मेरिटोरियस है। आनंद भैया, तेरे इस मेरिटोरियस दोस्त को देख के ना मेरे दिल के अंदर धक धक और पेट में गुड़गुड़ हो रही है। माफ करना, मैं मामूली से गांव की लड़की हूँ, मैं इन शहर वालों की तरह नहीं हूँ, जो जी में आता है वही कह देती हूँ। हे भगवान, कविता सुनेंगे? कविता सुनिए ना, बहुत अच्छी कविता है। अच्छा ठीक है सुनाइए। बोलूं? हाँ बोलिए। शक्ल है गधे से जिसकी, नाक के नीचे मूंछ है उसकी, चेहरा है जैसे बैल, उसके ऊपर चमेली का तेल। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर मैं एक बाप का बेटा हूँ तो इसका बदला मैं लूंगा। समझ गई, अब जरूर नाराज हो रहे हैं। नहीं नहीं, नाराज क्यों होऊंगा? शुक्र है बच गई। ये लो, आपसे इतनी बातें कर ली लेकिन आपका नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम? और नहीं तो किसका? मेरा नाम? मेरा नाम है श्रीमान शंकर कंकर गायकवाड़। ये कैसा नाम है? जैसे कि इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, शंग किंग और गाय भी। तो शंकर किंकर गायकवाड़ महाशय, इतना अच्छा नाम आपको मिला कहाँ से? क्यों, पिताजी ने रखा। ओ, पिताजी ने रखा है क्या? हाँ। पिताजी ने रखा और आपने रख भी लिया? हाँ। मतलब हमारे वंश में सभी का नाम मिला के रखते हैं। ओ, ऐसा है क्या? हाँ। एक्चुअली मेरे परदादा का नाम था शंभू कंकर और मेरे पिताजी का नाम हरा कंकर और मेरा शंकर कंकर। वाह, कितना अनोखा मेल है। लेकिन पिताजी मुझे प्यार से शंकु बुलाते हैं। और माँ जी? कंकु। इतना अच्छा नाम, शंकु किंकु, जैसे पूरा झिंकू, झिंका लिक्का। क्या क्या नाम बताया? झिंका लिक्का। वो बड़ा है सब शंकु किंकु नाम, सब उसी का है फैन, कर उसी को सलाम। वो बड़ा है सब शंकु किंकु है नाम, सब उसी का है फैन, कर उसी को सलाम सलाम। कुछ हीरो जैसी छान, क्या सूरत है कमाल, कुछ हीरो जैसी छान, क्या सूरत है कमाल, उसे आई लव यू खत हर एक लड़की ने लिखा। हाँ, चिंकली का चिंकली का, चिंकली का चिंकली का, हाय हाय हाय, चिंकली का चिंकली का, चिंकली का चिंकली का। मुक्का लगा
करता वो मुक्का लगा कर बड़े बड़े पहलवान भागते हैं उसको देखकर है प्यारी प्यारी आंखें और मीठी मीठी बातें इतना हैंडसम है वो कोई किसी ने न देखा है प्यारी प्यारी आंखें और मीठी मीठी बातें है प्यारी प्यारी आंखें और मीठी मीठी बातें मोहब्बत करना उसे हर किसी ने सिखा चिंकली का चिंकली चार पाँच वो नहीं चलेगा तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस इतना छोटा सा पीस जा कितने तक गिना मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये क्या बात हुई अरे ओ गौरी अरे एक कटोरा कम क्यों है ओह मैंने कहा लाई हूँ दो बाप रे बाप ये लो हुआ दिल को तसल्ली हुई लो अब कृपा करके शुरू करो ओ प्यारी अब क्या कह रहा था शुरुआत में थोड़ा सा घी नहीं मिलेगा नहीं होगा नहीं होगा डॉक्टर ने तुम्हें बार बार मना किया है घी खाने से। गौरी ये सब बकवास बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए अरे ये सब लोग खुद ही गैस के मरीज हैं। ये लोग खुद कुछ हजम नहीं कर पाते खाने से बदहजमी होगी गैस होगी इसीलिए ये सब बोलते रहते हैं किसी को खाने नहीं नहीं, नहीं नहीं वो तुम जो भी बोलो घी मैं तुमको बिल्कुल खाने नहीं दूंगी अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तीन महीने से बिना घी देखे सूंघे खाए मेरा 40 किलो वजन घट गया है देखो गौरी मैं कितना दुबला पतला हो गया हूँ तुम्हें नजर नहीं आता अजीब मुसीबत में पड़ गई कृपा करके शुरू करो ना हजार बार कह चुकी हूँ घी मैं तुम्हें नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी अरे शुरू तो करूँगा करूँगा पर थोड़ा सा घी मिल जाए तो अरे? अच्छा प्यारी तुम तो ब्राह्मण घर की लड़की हो हैं? तो तुम हमारा शास्त्र वगैरह भूल गई तुम भूल गई हो हमारी मुनि ऋषियों ने बार बार कहा है उधार करके भी घी खाना चाहिए अच्छा कौन सी शास्त्र में लिखी है ये बात भगवत गीता में भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि रुको रुको तुम्हारी गीता मैं अच्छी तरह से 100 बार पढ़ चुकी हूँ गीता में इस बात का कोई जिक्र नहीं है नहीं है नहीं बिल्कुल है खाना छोड़ के तुम मेरे साथ अभी बहस करोगे खाओ खा रहा हूँ गुस्सा क्यों कर रही हो खा रहा हूँ पर
गीता में तुमने ये श्लोक नहीं पढ़ा? नहीं। होगी 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 प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अंग्रेजी आती है। अरे सुनो ना ओ प्यारी, सुनो ना, थोड़ा सा घी, वन स्पून प्लीज। समझी। थोड़ा समझी, बगैर घी के तुम खाने को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाओगे, सही ना? खा के मरो नंदू। मेरी प्यारी, आप चुप रहो। ये घी लेकर मैं तैयार हूँ माँ जी, लीजिए। दो दो। ये रहा आपका दूध, केला और मिठाई, ठीक से खाइए। तो फिर आखिर में मुझे घी मिल ही गया। ले लिया। देखा? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं। खींचूंगी। अरे बहुत ही बढ़िया खबर लाया हूँ, बहुत ही बढ़िया खबर। अरे आजू बाजू में नंदू होगा, देख लेगा वो। अरे जो कोई भी रहे, कोई परवाह नहीं। अरे जो खबर लाया हूँ ना, तुम एकदम नाच उठोगी। पहले छोड़ो, छोड़ो ना मुझे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। काट दो। अरे काटोगी क्या? खा दूंगी, जरूर दूंगी। ये क्या, खुले कमरे में चारों तरफ लोग हैं, ये क्या बदतमीजी? इस उम्र भी क्या बेशर्मी, बिन कहे बिन बताए अचानक ये क्या? क्या कहना है कहो। तुम सुनोगी? जो कहना है कहो ना, ढेर सारे काम पड़े हैं मेरे। क्या हुआ? कहो ना जो कहना है। अरे दूर, अजीब बात है। अरे माँ काली की तरह मुंह बनाओगी तो अच्छी खबर कैसे सुनाऊं? अच्छा ठीक है मैं सुन रही हूँ, तुम कहो। कहूं? कहो। कहूं? कहो ना। हमारे शंकु की शादी तय की है मैंने। सच? हमारी शंकु की शादी? मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई दूसरा आकर देख लेगा कैसे लगेगा। बोलो ना सच। सुनो बिरजू के घर गया था, उसकी लड़की के साथ हमारी शंकु की शादी मैंने फाइनल कर दी। कितनी बड़ी खुशखबरी। बिरजू कल सुबह लड़के को देखने आ रहा है। कल सुबह? फाइनल। अच्छा कल सुबह ही लड़के को देखने? कल सुबह? हाँ कल सुबह। अरे यही तो कहा है। कल सुबह तुम्हारा लड़का आएगा कहाँ से, वो तो शहर में है। बहुत अच्छा। वाह बुआ, इतनी बड़ी गलती कर दी। हाँ जी, अब क्या होगा? उनके सामने हमारी बेइज्जती होगी। नहीं नहीं, क्या होगा अब? नंदनी, बेटा नंदू। आया मालिक। नंदू। मालिक इधर आ। बोलिए क्यों बुलाए? सुन हा? तुझे इसी वक्त शहर जाना होगा। अच्छा। छोटे बाबू के पास पहुंचकर उसे लेकर रात में ही लौट आना। अच्छा। रुक, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों? अजीब बात है, शहर की ट्रेन तो रात को 9 बजे है। अगर उसी ट्रेन से वो जाएगा तो सुबह बेटे को लेके आएगा कैसे? मैं कहती हूँ आते आते दोपहर हो जाएगी। अब ये क्या कर दिया मैंने? उधर मैंने बिरजू को कह दिया है कि सुबह आकर लड़के को दे। क्या होगा? अरे नंदू अब क्या होगा आप बताइए। यही तो, क्या होगा? होगा। कैसे होगा? होगा मेरी फटफटी। हे भगवान। अरे मेरा पर्स तो अभी यही था, कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? ओ मैडम, पर्स नहीं मिल रहा है? नहीं। उसमें कितना पैसा था? करीब 300 रुपए। 300? लेकिन उससे भी महंगा कुछ था। उससे भी महंगा? सोने चांदी थे क्या? नहीं नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ महंगा था। अभी अभी मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लाई थी, वो भी नहीं मिल रहा। अरे ये क्या, झिंकू?
आप यहाँ? कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ आज। मेरा पर्स ही किसी ने उठा कर ले गया। आनंद भैया के घर का रास्ता भी ठीक से नहीं जानती, वहाँ पर भी नहीं जा सकती। अच्छा, मुझे 10 रुपये उधार देंगे तो बस पकड़ लेती। 10 रुपये आनंद भैया के हाथ से भिजवा दूंगी। आज तो मेरे पास पैसे नहीं है मैडम। नहीं है? परसों जब आप मांगी थी मैंने तो दिए थे, पर आज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है मैडम। परसों? हाँ। मुझे पैसे दिए थे? हाँ। मतलब? मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है मैडम? परसों इसी समय न्यू मार्केट के सामने आज की तरह किसी ने आपका पर्स चुरा लिया था, इतनी जल्दी भूल गई? मेरा पर्स? हाँ। परसों चुरा लिया था? हाँ। नहीं तो? अरे वाह, उस दिन आप इतनी घुमा फिरा के बोल रही थी, उसके बाद आपने मुझसे टैक्सी के पैसे भी वसूल कर ली, ऐसे कैसे भूल गई? आप ये सब क्या कह रहे हैं शंकर जी? आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? मैं आपके दोस्त वो आनंद भैया के कजिन हूँ। उस दिन भैया के घर में आपसे मुलाकात हुई थी। पहचानूंगा क्यों नहीं, अच्छी तरह से पहचानता हूँ आपको। अरे बाप रे, क्या एक्टिंग करती है। ओ मैडम, आप फिल्मों में चले जाइए, आपको देखकर कैटरीना करीना भी फेल हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, ये शरीफों का मोहल्ला है, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ए चल चल, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ओ गौरी, सारी रात मैंने गाड़ी चलाई और ये सो रही है। देखा नहीं। अजीब इंसान है। ले आया हूँ, लेके आया। रात भर सारे लोगों को परेशान करके इतनी देर गए, सुबह 10 बजे वो वापस आए। बाप रे बाप। अरे तो मैं क्या करूँ, बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। पंक्चर नहीं होगा। पंक्चर क्यों होगा? गाड़ी एक को संभाल नहीं पाता, उसके ऊपर दूसरों को बिठा के ले आया। गाड़ी बड़ी आई, गाड़ी बैलगाड़ी। hey, खबरदार कह रहा हूँ गौरी, तुम मुझे जितनी भी गाली दो, बदनाम करो, मैं सब सह लूंगा। मेरी गाड़ी को तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? मेरी गाड़ी बैलगाड़ी है? नहीं नहीं बोलूंगी, उनकी गाड़ी को बैलगाड़ी नहीं बोलूंगी। जैसा मालिक वैसी गाड़ी। बैलगाड़ी नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी, एरोप्लेन? हाँ वही बोलोगी, दो दो को लेकर आई है। हाँ। बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया उसके साथ तुमने? साथ में लेकर आए या बीच रास्ते में छोड़ दिए? क्या किया? मैं आ गया माँ। आ गया मेरा बेटा। जीते रहो। कितने दिनों के बाद देख रहे हो मेरा राजा बेटा। प्यारी माँ, राजा बेटा, सही सलामत थे? अरे तुम खड़े क्यों हो? जाओ जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो, नहा लो, खाना खा के सो जाओ। खा, देखो इसकी हालत देखो। क्या हुआ बोलो तो माँ? पिताजी मुझे इस तरह क्यों लेकर आए बोलो तो माँ? सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैंने कहा सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं। अरे कोई इस तरह से जगाता है क्या? चुप रहो। सारी रात मेरे बेटे को सुबह सुबह यहाँ बुलाकर तुम सो रहे हो? तो क्या करूँ, सारी रात सोया हूँ मैं। हाँ बोलो बोलो। किंग को पूछ रहा है कि तुम उसे यहाँ क्यों बुलाए हो? अरे तुम उसकी माँ हो, तुम उसको बताओगी तो बोलो। हाँ बोलो। बोल दो। अरे हाँ बोलो। आ किंग। हाँ माँ। इधर इधर। हाँ माँ। आ किंग। हाँ माँ। तेरे पापा ने तेरे लिए लड़की ढूंढी है, तेरी शादी है। मेरी शादी? तुम्हारी शादी? मेरा बेटा बनेगा दूल्हा, जाएगा दुल्हन लाने।
बांध के माथे पे सहरा। अरे वाह, कितनी अच्छी कविता सुना। हाँ, मैंने सब कुछ तय कर दिया है, तुम्हें करनी है सिर्फ शादी। क्या हुआ? शादी का मतलब तो फांसी पे चढ़ना। फांसी मतलब क्या है? फांसी मतलब क्या, हम लोगों ने शादी नहीं की क्या? नहीं किया। तुझे अभी शादी करनी पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैंने सब फाइनल कर दिया है। 12 बजे तुझे यहाँ देखने आएगा। अब और कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है। संभाल के संभाल के। हाँ बेटा। हाँ बेटा, कौन आएगा माँ? क्यों, तेरे पापा ने कहा ना, तेरा बिरजू चाचा आएंगे, वही तो लड़के के पापा, तुझे देखने आएंगे। माँ। हाँ बेटा। ठीक 12 बजे उस लड़के का बाप मुझे बर्बाद करने आएगा। ये क्या कह रहे हो, ऐसी बात नहीं बोलते बेटा। हाँ तो तुम्हारी लड़की अभी क्या कर रही है? अरे यही तो, बीए पास करके कुछ दिनों के लिए शहर में मौसी के घर गई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। वही तो, मौसी के घर से मेरे घर में। अरे हाँ, वो रही, आ गई आ गई। आओ गौरी, आओ आओ आओ। कैसे हो तुम? हाँ हाँ, ठीक ही हूँ। अच्छा, कितने दिनों के बाद मिले हो, लो मुँह मीठा करो। अच्छा अच्छा, ये लो, नहीं देने से तो फिर अब। कैसे हो बिरजू दादा? शुरू हो गया, शुरू हो गया, समझे? अपने गांव का आदमी मिल गया है ना, बोले जाओ बोले जाओ। नौटंकी, बोले नौटंकी। जाओ। क्या बोलूं दादा, जिस आदमी से पाला पड़ा है, माँ बाप का सूरज भी भूल चुकी हूँ। अरे सुनो सुनो, अरे बहुत दिनों से तुम्हारे घर नहीं जा पाए, पर सुना है अच्छे ही है सब। तुम मुँह मीठा करो। मैं किंकू को भेज देती हूँ। अरे लो लो, मुँह मीठा करो, मुँह मीठा करो। हे, इस भरी दोपहर में छत पे क्या गिर रहा है? अरे कुछ गिरा है ऊपर, वो कुछ नहीं है। हाँ, तुम खाओ। हाँ, खाओ मिठाई खाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बिरजू भूतों का घर है। अरे कहाँ जा रहा है? अरे बिरजू, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। पहले कोई साधु संत को बुलाओ, झाड़ फूक करवाओ, फिर मैं यहाँ आऊंगा। सुनो, अरे सुनो ना, बाप रे बाप। अरे इस तरह कोई किसी के घर से चला जाता है क्या? मेरी बेटी इस उम्र में भूतों के हाथों से मरे? अरे बाप रे, सुनो ना सुनो ना। ए बिरजू, ये तो अच्छा डरपोक आदमी है। अरे दिन के वक्त भूत के डर से भाग रहा है। जा 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 जा, शादी नहीं होगी। जा जा, उल्लू कहीं का आया है लड़की की शादी कराने। जा जा, तेरे जैसे डरपोक की लड़की के साथ में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। लड़की की शादी कराएगा। ये क्या, तू यहाँ पेड़ के ऊपर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तूने जूता फेंका है? नहीं। क्यों? तो मैं क्या करता, एक इतना बड़ा सांप मुझे डसने आ रहा था। हरामजादे, इसलिए तू? ठहर ठहर, मैं अभी जाकर बिरजू को लेकर आता हूँ, आज तेरी शादी की बात पक्की करूंगा। जा हरामजादा बदतमीज कहीं का, जा। शादी मतलब एक जवान लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे सारा दिन देखती रहेगी? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। शंकर भाग जा, जहां मन चाहे भाग जा, भाग। भैया, हाँ क्या मैं बैठ सकता हूँ? मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? हाँ बैठिए ना, ठीक ठीक से बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। भैया, हाँ क्या आप यहीं रहते हैं? मैं भी थोड़ी देर पहले ही ट्रेन से उतरा। कितनी देर से बैठा हूँ, इतनी देर तक बात करने के लिए कोई नहीं मिला। तो आपको कहाँ जाना है? मैं गोपालगंज जाऊँगा। आप?
मैं कहाँ जाऊँ? ओ हाँ, मैं भी वो गोपालगंज ही जाऊँगा। अच्छा हुआ, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा और वहाँ अकेले जाना भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप मिल गए, हम एक साथ चलेंगे। हाँ और एक बात, आप अंधेरे में गोपालगंज का रास्ता पहचान पाएंगे ना? हाँ क्या अंधेरे में? क्या भाई साहब, मैं तो दिन के उजाले में भी गोपालगंज का रास्ता नहीं पहचान पाऊंगा। अब गोपालगंज में नहीं रहते? अरे नहीं भाई साहब, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अरे आपके मुँह से गोपालगंज का नाम सुन के मुझे नाम पसंद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको फॉलो करते करते मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। मैं भी तो वही सोच रहा था, इसका मतलब कि आप भी मेरी तरह। हाँ भाग के आया हूँ। अच्छा एक बात पूछ सकता हूँ, क्या आपके पिताजी ने भी आपकी शादी तय की है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं है, बहुत साल पहले ही ये सब चैप्टर क्लोज्ड। तो फिर असल में मैं कभी कभी घूमने निकल जाता हूँ, इधर उधर की पेंटिंग बनाता हूँ और वो सब पेंटिंग एग्जीबिशंस में बेचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आपका केस भी मेरी तरह है। नहीं नहीं, मैं भागा हूँ डकैतों के डर से। डकैत? सुनेंगे आप? बहुत लंबी कहानी है। बोलिए। एक बाहर के न्यूज़पेपर से मुझे कुछ दिन पहले एक असाइनमेंट मिला। वो लोग एक पुराने हवेली की पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं। पैसे भी अच्छे खासे दे रहे थे, तो मैंने अपना लगेज उठाया और वो हवेली ढूंढने निकल पड़ा। बहुत ढूंढते ढूंढते कुछ दिनों के बाद वर्धमान के एक गांव में बिल्कुल वैसी ही एक हवेली मिली मुझे। फिर कलर, ब्रश, इजेल, पेंट सब कुछ लेके पहुंच गया हवेली के सामने। चला ठीक से। हाँ गुरु। अरे तेरी तो। ए लड़की तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे इतना रो क्यों रही हो? अरे बाप रे। हाँ बॉस, ये लड़की बहुत रो रही है। ये लड़की बहुत रो रही है बॉस, कुछ तो कीजिए। क्यों, वो रो क्यों रही है? उनका रोना धोना देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। ऐसा क्या? हाँ। तब तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग एक काम करो। हाँ। तुम लोग यहाँ इंतजार करो। हाँ। मैं जाकर पूरी तरह से जांच पड़ताल करके आता हूँ। हाँ। ए लड़की सुनो, पागल है क्या? अरे सुनो ना, थत। तुम डर रही हो? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। ठीक है ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हारे पिताजी से वो 5 लाख रुपए मिलते ही हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। अरे बाप रे, देखो बेटी तुम मुझे इतना जोर से मत डांटो, मेरा थोड़ा हृदय मतलब हार्ट की बीमारी है, अचानक अगर मेरा कुछ हो जाए तो फिर तुम मेरे हाथ पाँव को खोल नहीं सकते, देख नहीं पा रहे हो मुझे कितना लग रहा है। खोल दूंगा पर तुम गुस्सा मत करना। हम लोग भले ही किडनैपर हैं,
मगर हम लोग दिल के बुरे नहीं हैं। हम है राही प्यार के, हम कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसे। कमीनो, सालो 32 जी निकाल के गाना गा रहे हो, टाट। तुम चुप करो, मुझे इतने देर से रोक के रखे हो, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? सही बात। अरे ओ कमीनो, मेरी बेटी को भूख लगी है, अभी तक खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया? जा साले कमीने। उस्ताद, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ से खाना लेकर आएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बुढ़वक कहीं के। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हाँ, मेरी बेटी को भूख लगी है, जहाँ से भी हो मेरी बेटी के लिए समोसा, जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन लेके आ। जा। मैं वो सब आलतू फालतू चीजें नहीं खाती, मेरे लिए चिकन पिज्जा ही लाना पड़ेगा। हाँ वही तो, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। ए, जहाँ से भी हो मेरी बेटी के लिए पिज्जा लेके आओ। बॉस, 5 लाख रुपए के लिए 2 दिन से कुछ खाया नहीं बॉस। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बॉस, भूख से पेट जल रहा है बॉस। भूख से पेट जल रहा है, गधा कहीं का। हम लोगों का जन्म सड़कों पे हुआ है। जन्म लेने के बाद से ही भूख से हमारा संबंध जुड़ गया। वक्त पर खाने से ही हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। पर मेरी ये बेटी, पर वो तो हम लोगों के जैसे सड़क छाप नहीं है, उसको तो भूख लगेगी। ये ले, ये रख। उस्ताद, ये आप बेचने के लिए दे रहे हैं? ये तो आपका माँ का दिया हुआ ताबीज है। मुझे पता है, मेरी माँ के दिए हुए आशीर्वाद मैं मेरी बेटी के काम में लगा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। जा जा जा, उसको बेच के जो मिले ले आ। जा जा, ये ले खाना लेकर आ। मैं उस्ताद को छोड़कर अभी कहीं भी नहीं जाऊंगा। ए मदन, रुक रुक। श, श, श। उस्ताद, लगता है चौधरी साहब आ गया। ए, तुम सब एक काम करो, तुम लोग सब अपना अपना पिस्तौल खोल के देखो उस पे गोली भरा है या नहीं। हाँ। सर्वनाश। बॉस, एक भी दाना नहीं है बॉस। हाँ बॉस, एक भी गोली नहीं, सारी की सारी अड्डे पर रह गई। देखो बेटी देखो, ये सारे उल्लू के पट्टे अपना ये बैल बुद्धि लेकर तुमको किडनैप करके ले आया। सच में तुम लोग कैसे किडनैपर्स है? बोलो तो, किडनैप करने आए हो लेकिन तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं है। है बेटी, है। इस पिस्तौल में एक ही गोली है, वो ही काफी है। हाँ पवन। हाँ बॉस। तू मेरी बेटी के ऊपर नजर रख, हम लोग जाकर देख कर आते हैं। मिस्टर चौधरी आए हैं तो उनसे थोड़ा मुलाकात करके आते हैं। ओके बॉस। बॉयज मूव। अरे अरे, अरे, अरे। ए मेरी बॉस की माँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तुम क्या करोगे, तुम्हारे बंदूक में तो गोली नहीं है। मैं क्या करूँगा? या कराटे। ओह या ब्लैक बेल्ट ब्रूस ली। आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए, मैं नीचे से आता हूँ।
मीता तू ठीक तो है बेटी? इन लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना? नहीं पापा। हेलो मिस्टर चौधरी, आपके ये रुपया से भरा अटैची को यहाँ पर रख कर आप अपने डॉटर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। जस्ट गो। ओके ओके। नो 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 नो, रुकिए, मगर उससे पहले वो अटैची खोल के हम लोगों को दिखाइए उसके अंदर रुपया है कि नहीं। सही बोला ना मैंने? राइट। जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए। अरे बाप रे बाप, इतने पैसे। क्या खुशबू है। हाँ बॉस, नोटों की खुशबू। आप अपनी बेटी को, मतलब हमारी बेटी को लेके जा सकते हैं यहाँ से। बॉस। यस, चल बेटी। वन मिनट मिस्टर चौधरी, वन मिनट। हमारी बेटी को हम लोग छोड़ कर आते हैं, क्यों बॉयज? ठीक है बॉस, चलो बेटी। जरूर चलो बॉयज। मूव। आओ बेटी। अरे मेरा जूता फट गया। अरे भाई धीरे धीरे, भाग न सके, भाग न सके, पकड़ो उसे। अरे अरे जल्दी, अरे चलो, चलो अरे जल्दी दौड़ो, अरे सुन, अरे करना उसे, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, चलो अरे चलो 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 चलो। अरे वो भाग गया है, अब क्या होगा? अब क्या होगा, पैसे लेकर तो भाग ही गया। लगता है वो लड़का पैसा लेकर नहीं भागेगा। ठीक कहा तूने। हाँ। वो लड़का पैसे के अटैची लेकर वो चौधरी साहब का घर जा सकता। हाँ। है। तो फिर चल चौधरी के घर। पहले उस्ताद के पास चल। चल 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 चल। पैसे चोरी करने के इरादे से मैं अटैची लेके नहीं भागा। इस अटैची के असली मालिक को मैं ये लौटाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ दिन कहीं छुप के रहना पड़ेगा। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। क्या? मैंने सुना है कि गोपालगंज में मेरे मामा जी का एक घर है। सुना है मतलब? मतलब मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। और मेरे मामा जी और मेरे पिताजी का रिश्ता ऐसे है जैसे कि एक शेर है तो दूसरे सवा शेर। अरे बाप रे, लेकिन क्यों? पिताजी ने अपने शादी के वक्त मामा जी के पास एक बाइक दहेज से मांगी थी और मामा जी ने नहीं दी, इसलिए। इंटरेस्टिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुस्से में पिताजी एक पुराना मोपेट खरीद के उसमें बैठ के पूरा मोहल्ला घूमते थे। वैसे आपके मामा का नाम तो आपको याद होगा? नहीं नहीं, एक बड़ी ही अजीब किस्म का नाम है, बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, पर दादाजी का नाम याद है। चलो भाई, कुछ तो याद है। याद रखकर भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि दादाजी तो अभी जिंदा नहीं है, सिर्फ मामा जी के अलावा वहां और कोई भी जिंदा नहीं है। तो फिर अब क्या होगा?
होगा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम जब यहाँ पहुंचे हैं कुछ ना कुछ तो हल होगा ही। अच्छा आप भी तो छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, तो फिर एक काम कर सकते हैं। क्या? अगर हम आपस में अदल बदल कर ले तो? मतलब आप मैं और मैं आप बनकर कुछ दिन वहां छुपे रहे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक बात है। क्या? हमारे बीच में ये जी आप वाला जो रिश्ता है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ओके। आज से हम दोनों दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स। राजी। ओके चलो ना उधर देखते हैं, कोई बस मिल जाए तो। अरे भाई साहब, गोपालगंज गांव कहाँ है बोल सकते हैं? गोपालगंज। सर्वनाश, ये तो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। रुको, गोपालगंज कहाँ, कितने दूर? दो तीन, ओ समझ गया, 30 माइल। क्या बोल रहा है? लगता है भूत के बारे में बोल रहा है, रात को वहां जाने से मना कर रहा है। भाई साहब, यहाँ कोई रिक्शा मिलेगा? अरे बाप रे बाप, ये क्या, कैसा आदमी है? चलो आओ। कितना अंधेरा है, नहीं जाने कितना दूर चलना पड़ेगा। वो देखो चाय की दुकान, चलो बैठते हैं। चलो चलो। भाई साहब, यहाँ से गोपालगंज जाने की कोई बस मिलेगी? लास्ट बस अभी आ रही है। थैंक गॉड। भाई दो चाय, थोड़ी जल्दी देना। हाँ। ये लीजिए भैया। धन्यवाद। वाह चाय बढ़िया है। बहुत बढ़िया। लास्ट बस। गोपालगंज लास्ट बस, लास्ट बस, गोपालगंज लास्ट बस। 10 रुपए। अरे रुको, गोपालगंज लास्ट बस। जल्दी आओ, गोपालगंज लास्ट बस, लास्ट बस। चलो चलो चलो। लास्ट बस, गोपालगंज, लास्ट बस। हम लोग तो कपड़े भी नहीं बदले। अरे वो सब गोपालगंज जाके करेंगे। लास्ट बस, जल्दी चलो। ठीक है, चलो। हाँ जा। निकालेगा। हेलो नानू। ऐसे नहीं होगा, चलो उनके करीब जाते हैं। नाना जी। नानू, अरे ओ नानू। अरे बाप रे बाप, बहरे है क्या? नानू, अरे ओ नानू। कौन हैं? अविनाश, अरे गेट खुला छोड़ के रखा है क्या? हैं? अरे लगता है कोई फूल चुराने आया है। अविनाश, अरे गेट बंद कर। नानू, घर चला गया। हम लोग फूल चोरी करने नहीं आए नानू। अरे बाप रे, ये क्या, दो मुर्गे? अच्छा, तो बाबू तुम लोग यहाँ कैसे? अच्छा गजाधर चतुर्वेदी के घर किस तरफ, आप बता सकते हैं? ओ सर दुख रहा है। अरे बाप रे बाप, तो किसका सर दुख रहा है? अरे सर नहीं, घर गजाधर चतुर्वेदी का घर। अरे फटीजर जैसा चिल्ला क्यों रहे हैं? बह रहा हूं क्या मैं साला? क्या बोला, कौन चतुर्वेदी? गजाधर चतुर्वेदी नाना जी, गजाधर चतुर्वेदी।
जिनकी लड़की की शादी हुई है सोनपुर की गायकवाड़ के घर में। तब तो बाबू गजाधर चतुर्वेदी तो, अरे वो तो बहुत पहले गुजर गए। लेकिन उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मुझे बोल सकते हो, मैं हूँ उनकी एकलौती औलाद मनोहर चतुर्वेदी। हे भगवान, तो फिर यही तो मामा जी है। हम लोग मनोहर चतुर्वेदी को ही ढूंढ रहे हैं मामा जी। मामा जी, मामा जी, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे नाना जी बोल रहा था, अब ये तुरंत मैं मामा जी कैसे हो गया? हैं? मजाक हो रहा है? तो आप है मनोहर चतुर्वेदी? हैं? किसकी शादी? मनोहर चतुर्वेदी। और मनोहर, अब मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता बेटा, अब सब बेकार। बाप दादा के वंश को बनाए रखने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां की, एक भी बच्चा नहीं हुआ। सब एक एक करके चले गए। तो फिर और एक शादी क्यों नहीं की? हाँ, कोशिश क्या मैंने कम की है बेटे? लड़की का बाप मेरा नाम सुनते ही सर पर पैर रखकर भाग जाता था। अरे बाप रे बाप, सच में? आ, ए, लेकिन तुम लोगों को इससे क्या मतलब? हाँ? मामा जी, एक सुखबर है। नटवर? अरे नटवर बोलकर तो यहाँ कोई नहीं है। नटवर नहीं मामा जी, सुखबर, सुखबर। चिल्लाता क्यों है? मैं बहरा हूँ क्या? ठीक है। हाँ? हाँ बोलो, क्या खबर है? बोलो आहिस्ता बोलो। क्या आपको पता है कि आपका एक भांजा है? भांजा? हाँ मेरा एक भांजा है, सुना है मैंने, लेकिन उसे कभी नहीं देखा। बिल्कुल कुंभकर्ण जैसा देखने में। मेरे बहन का पति हरकिंकर, साला शादी में एक मोटरसाइकिल ले दिया इसलिए। आपका भांजा शंकर किंकर, ये देखिए आपके सामने खड़ा है। भांजा, मेरा भांजा, मेरा भांजा। नहीं नहीं, वो हर किंकर बहुत बदमाश आदमी, वो अपने बेटे को यहाँ भेजेगा? नहीं नहीं, लगता तो नहीं है। ए, तू क्या सचमुच में मेरी गौरी का लड़का है? हाँ मामा। अविनाश इधर आ, इधर आ, इधर आ। तुम सांड की तरह चिल्ला रहे हो, बोलो तो वो क्या है? चिल्लाऊंगा नहीं, ये देख मेरा भांजा आया। ए चाय ला, ए शरबत ला, ए मिठाई ला, अरे जा जा, अरे मेरा भांजा आया है, अरे लंबू, अरे आ तू ले, अब ये पकड़ के दिखा, ये मारा। क्यों चाचा, सब अच्छे तो है ना? अरे बाप रे बाप, अच्छा कैसे ना रहूं? राजेन, ओ राजेन, अरे सुन, अरे राजेन, अरे अरे क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे सत्यनाश हो गया रे, वो लड़की। लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की जो मुझे झिंकू झिंकालिका कह के छेड़ती थी। सत्यनाश, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? वो तो मुझे मालूम नहीं भाई। अरे बाप रे बाप, वो बहुत खतरनाक लड़की है। अच्छा, क्या वो लड़की तुम्हें पहचान गई? थैंक गॉड, नहीं वो मुझे पहचान नहीं पाई, क्योंकि पहचान पाती तो मुझे छेड़ती। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, तुम ना उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। हा? एकदम पानी की तरह स्वच्छ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसके साथ तुम मुझे घुल मिल जाने के लिए कह रहे हो? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आराम से घर जाओ। सुनो ना, मुझे थोड़ा पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, एक चिट्ठी पोस्ट करनी है। मैं इस बारे में बाद में सोचता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना मेरे भाई। अपने बाप,
सोचते सोचते मैं सच्चिदानंद होता जा रहा हूँ। चलो जल्दी चलो। अरे पगली, कहाँ इस भरी धूप में भागी फिर रही है तू? भाग नहीं रही थी चाचा, मैं तो शिवली के घर गई थी। ये देखिए फिजिक्स की किताब लाने। लेकिन आप और पूछ मत, तेरी चाची आ रही है शहर से, बस में आ रही है, उसी को लेने बस स्टैंड जा रहा हूँ। घर पे और कोई नहीं था क्या जो इस कड़ी धूप में आप जा रहे हैं? ये जगह बहुत खूबसूरत है, इतनी हरियाली यहाँ पे। और आप घर जाइए, चाची को मैं जाके ले आती हूँ। अब इतनी धूप में तू क्यों कष्ट करेगी बेटी? चुप, और एक भी बात नहीं, आप सीधे घर जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, जैसा तू बोलती है वैसा ही करता हूँ। जाइए, जाके आराम कीजिए। अच्छा अच्छा चलता हूँ मैं। चाचा आप लौट जाइए। भगवान ये क्या, अरे इतनी सारी सब्जियाँ बाजार से खरीद के लाया, इन्हें कौन खाएगा? मैं ही खा लूंगा, हमें याद रहेगा ना। हाँ पक्का पक्का। देखो बेटा जल्दी चले आना, जाइए ना, देर मत करना। मैं अभी आया। बहन जी सांप सांप, भागिए भागिए जल्दी भागिए। थोड़ा थोड़ा तुझसे प्यार होने लगा।
एक प्यार का नशा कोई दे दे मुझे आज उनका पता हो उन आँखों में है एक प्यार का नशा कोई दे दे मुझे आज उनका पता अनजाने सपनों में डुबोने लगा ये धड़कन बोले यार थोड़ा थोड़ा तुझसे प्यार होने लगा पहली नजर में दिल खोने लगा कुछ कुछ नया कुछ दिल में होने लगा ये मौसम ये धड़कन बोले यार थोड़ा थोड़ा तुझसे प्यार होने लगा नहीं मतलब आप सांप को देखकर बेहोश हो गए तो इसलिए तो सांप कहाँ नहीं नहीं अभी वो सांप भाग गया मैंने फेंक दिया अरे उमा सुना है सांप ने तेरा पीछा किया कहाँ है सांप हाँ कहाँ है सांप हाँ तुम बहुत जाने पहचाने से लग रहे हो नहीं नहीं आप मुझे कैसे पहचानेंगे मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ वो मनोहर चतुर्वेदी हाँ। है ना उन्हीं के घर में मनोहर चतुर्वेदी जी के घर में वो शंकर किंकर हाँ। उनका भांजा वो मेरे दोस्त हैं उसके साथ ही घूमने आया हूँ यहाँ अरे बाप रे तुम्हारे और शंकर में काफी समानता है सिर्फ हाँ, इसलिए तो हम लोग अच्छे दोस्त बने सब कहते हैं कि हम लोग जुड़वा भाई हैं नहीं फर्क भी है बहुत हा? वो ठहरा पिछली सदी का एक जोकर और तुम काफी स्मार्ट हो हैंडसम हो तो तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम मेरा नाम हुआ मतलब उमापति हाँ उमापति चौधरी उमापति हाँ वाह बहुत खूब तो वो स्टुपिड यहाँ आया है क्या किसकी बात कर रहे हैं आप और किसकी बात उस बेवकूफ की शंकर यहाँ आया है क्या हाँ आया है किसकी बात कर रहे हो तुम आनंद भैया तुम्हारा वो अतरंगी बेढंगी सा दोस्त झिंकाली का फिर से उस जोकर के साथ मुलाकात होगी छी 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 अगर मैं बाप का बेटा हूँ इसका जवाब मैं दूंगा 009 आप 10-20 पे 430 डाउन कौन 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 हो तुम लोग पिस्तौल किस लिए नो क्वेश्चन कोई सवाल नहीं लल्लू अब मुझे तुम बताओ तो गोपालगंज गांव यहाँ से कितनी दूर गोपालगंज गांव यहाँ से कितना दूर है 30 miles 30 miles हाँ 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 and मनोहर चतुर्वेदी कहाँ रहता है नहीं मनोहर चतुर्वेदी कहाँ रहता है पता नहीं नहीं पता मतलब क्या मनोहर चतुर्वेदी का घर नहीं पहचानता है टिंगना साला जल्दी जल्दी बोल नहीं तो ठोक दूंगा ये पिस्तौल तो टूटा हुआ है बिगड़ा हुआ है सर इडियट नॉनसेंस हराम खोर कहीं के खली पीली गाली क्यों बक रहे हो उस्ताद अरे आप ही तो बोले थे इसको सिर्फ डराना है खाली पिस्तौल टूटा फूटा पिस्तौल भी चाहिए और कोई बकवास मत कर अब मैं अकेले में
अब ये लिच्चड़ हड्डिया पहलवान के साथ दोस्ती करूंगा। यहाँ पर वेटिंग रूम है। क्या बोल रहे हैं आप? एक तो चड्डी, ऊपर से चैन। गांव का एक स्टेशन और उसका भी वो। अब मैं बैठूंगा। Let me sit. खाने को कुछ मिलेगा? खाना? हाँ? अरे बाप रे, खाना कहाँ से मिलेगा? क्यों, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? नहीं खाता हूँ, मेरा खाना तो मरीज की दवा। नींबू पानी, आलू भाजी और सूखी रोटी। खाएंगे क्या? चला। चलेगा क्या? क्या बोल रहे सर, यहाँ पे तो ताड़ी और चुल्लू के सिवा और कुछ नहीं मिलता सर, ये तो इंग्लिश है। थोड़ा पानी और कुछ गिलास मिलेगा क्या? पानी होगा सर, जरूर होगा। आप लोग थोड़ा बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। अरे साला, ये तो पुराना पापी है। ए, हम लोगों को यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। हाँ, ज्यादा दारू मत पीना, समझे? हाँ ठीक है उस्ताद। बॉस, वो पैसे हजम तो नहीं कर लेगा ना वो लड़का? उफ, बॉस पूरा 5,00,000 रुपए बॉस, अकेला हजम तो नहीं कर जाएगा बॉस। चुप, इसको लेके अफसोस मत कर, मुझे क्या समझ के रखा है, 5,00,000 रुपए ऐसे जाने दूंगा क्या? अब मनोहर चतुर्वेदी के घर जाके उस छोकड़े को कैश कॉट करके उस 5,00,000 रुपए की अटैची को उसके पास से छीन लेंगे। अरे बॉस, 5,00,000 रुपए? ओ बड़े बाबू, 5,00,000 रुपए! तू आखिरकार शादी के डर से भाग आया? अरे बाप रे बाप, और क्या करूं? तू क्या बोल रहा है? शादी के मतलब एक बीवी, बीवी मतलब एक लड़की, एक जीती जागती लड़की मेरी चारों ओर घूमेगी? अरे बाप रे बाप, नहीं मेरे भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, तू एक बार उस लड़की को अपनी आंखों से देख तो सकता था। अरे उसके पिताजी आए थे मेरे घर। क्या एक अजीब सा नाम है, बिरजू श्रीवास्तव। क्या क्या नाम लिया? बिरजू श्रीवास्तव, क्यों? अरे वही तो मेरे मामा जी, उन्हीं की बेटी उमा, जिसे तुमने मेरे घर में देखा था। अरे बाप रे बाप, तब तो मैं बाल बाल बच गया। उस लड़की से शादी, इससे बेहतर है कि सीने में पत्थर बांध के नदी में कूद पड़ू। तू हंस रहा है? वो लड़की नहीं, वो यमदूत की चचेरी बहन है। बाप रे बाप। बड़े बाबू, बहुत देर हो गई। खबर है एक। खबर है? क्या खबर? कितनी बड़ी खबर? बहुत बड़ी खबर है सर, बहुत बड़ी। बैठो। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है सर, 20 मिनट के बाद मेल क्रॉस करवानी पड़ेगी सर। क्या कह रहा था, जो बोलना है जल्दी बोल। ठीक है। अभी ससुरा की लड़क गया। अरे ओ शिवचरण, शिवचरण बोलिए सर। ससुरे गधे की तुम, मैं फिर से अटक गया हूँ। पैर खींच खींच पैर। अरे गधे मेरा नहीं, कुर्सी का पैर खींच। अरे क्या हुआ, मजा ले रहे हो? इधर मैं फंस गया हूँ, हाथ पकड़ के खींचते क्यों नहीं? अरे राम भजन साहब, राम भजन। हाँ साहब, जरा देखो तो सही, जिंदा भी है या मर गया? अरे बाप रे, ये तो मर गया साहब। मर गया सर? मरा नहीं हूँ सर, बिल्कुल जिंदा हूँ सर। नहीं नहीं, नहीं। ससुरे ने नहीं मर के बचा लिया? हाँ सर। बाप रे बाप,
हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। मैं तो सोच रहा था। सर 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 सर। हे भगवान, फिर से वही गलती दोहरा रहा था। सर, आपको तो असली बात बताया ही नहीं। अरे, तुम क्या पौवा चढ़ा के आए हो? तब से करके हिचकिया ले रहे हो? नहीं सर, सारी बातें ये पेट के अंदर जमी है ना। तो फिर उगलते क्यों नहीं? सर, डकैत है? बड़े बाबू, डकैत। डकैत कहाँ? कहाँ है डकैत? गांव में सर, गांव में घुसे हैं। गांव में घुसे? क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? सर, पेट थोड़ा खाली हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। गांव में डकैत घुसाए बोलते हो? हाँ सर। घुसने दो, घुसने दो, डकैती वकैती हो जाए। उसके बाद तहकीकात करूंगा। 5 लाख रुपए का मामला है सर। क्या बोलते हो मास्टर, 5 लाख? बाप रे, 5 लाख रुपए? राम भजन जी सर, 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए? अब क्या हुआ? मेरा हिस्सा मिलेगा ना सर? चुप। सर, उन लोगों के पास पिस्तौल है सर। पिस्तौल? पिस्तौल है? हाँ सर, पिस्तौल है तो रहने दो। पिस्तौल हमारे पास भी, राइफल है। चारों तरफ से घेर के आक्रमण करेंगे, चारों तरफ से। 5 लाख रुपयों का जो सवाल है। मास्टर, बता सकते हो डकैत किस तरफ गए हैं? वो तो मुझे पता नहीं सर, पर वो लोग जाने से पहले मनोहर चतुर्वेदी के नाम ले रहे थे। हाँ सर, मनोहर चतुर्वेदी। अरे शंकर। हाँ, क्या हुआ? वो लोग आ गए। हाँ? कौन? वो 5 किडनैपर्स। हाँ? तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर छुप जाओ, मैं इनसे निपट लेता हूँ। चाचू चाचू, यही मनोहर का घर है बॉस। धीरे धीरे, हमेशा लेट करते हो, हमेशा लेट करते हो। दिन भर खाते रहते हो और सांड के जैसे पतन बना लिया है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप, मूव। ए भाई, हेलो ब्रदर। मुझसे कह रहे? तुम्हें छोड़कर और यहाँ कोई नहीं है मुन्ना। तुमको देख रहा हूँ भाई, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। क्या कहना है, कहिए। राजन मेहरा यहाँ है क्या? राजन मेहरा? कौन राजन मेहरा? ऐ साला उस्ताद, कैसे एक्टिंग कर रहा है? सारे गांव के लोग कह रहे हैं राजन यहाँ घाटी देख रहे, और ये सलाह कर रहा है कि पहचानता ही नहीं है। राजन? राजन मेहरा। अब याद आया। बात है इधर, पर चला भी गया। अब अगी सात दिन पहले चला गया। कहाँ? वो यहाँ नहीं रहता है? एक्चुअली राजन मेरा दोस्त है। वो घर जाने से पहले यहाँ आया था। याद आया। मतलब वो ना मुझे कह के गया था कि मतलब अगर उसे ढूंढते हुए कोई यहाँ आए ना, तो फिर मैं उन्हें उसका पता दे दूँ। आप उसका पता ले लीजिए, वो रहता है रामनगर में। पर भाई साहब, एक मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल है क्या? हाँ। मुश्किल क्या? मुश्किल नहीं, मतलब कुछ खास नहीं,
मतलब आप मेरी एक बात सुनिए, अब यहाँ से सीधा एक घंटा पैदल जाने के बाद आपको मेन रोड मिलेगा। उसके बाद फिर एक दो घंटा वेट करने के बाद बस भी मिल जाएगी। उसके बाद 7:30 बजे तक आप रामनगर भी पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे रामनगर, पहुंचेंगे पहुंचेंगे। पर मुश्किल ये है कि वहां से वापस आने की बस आपको आज नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा? नहीं, फिर 3 दिनों के बाद। तब क्या होगा? और कल हमारा इलाका भी बंद रहेगा। बंद? हाँ बंद। और 2-4 दिन के अंदर राजेन भी यहाँ आ जाएगा। भुगा उनको, उसे फिर शहर भी तो जाना है। वो उस रास्ते से चला जाऊँ क्या? एकदम सीधा बिना हिचकिचाए चले जाइए। बिना हिचकिचाए? बिना हिचकिचाए चला जाऊँ? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। About turn. Now move. Left, right. अरे बाप रे बाप, जान में जाना ही। अब मैं निश्चिंत हूँ। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी निश्चिंत मत हो। हाँ तो फिर? पर मेरे ख्याल से तुम लगभग 2 दिन चैन से रह सकते हो। 2 दिन? हाँ। उसके बाद क्या होगा? दिमाग पर भरोसा रखो ना। हाँ। अच्छा सुनो, मामा जी हमारे लिए नारियल तुर के रखे हैं, भेल के साथ खाने के लिए। चलो चलो, नारियल ही खाते। फिर पोजीशन। सुनो डकैतों, जल्दी से बाहर निकल आओ, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। सर, डकैतों को आप तुम करके कह रहे हैं? हाँ, सही कहा। क्या कह रहा था मैं? डकैत। हाँ, डकैत। ए, डकैत, अगर भला चाहता है तो 5 लाख रुपए लेके आ जा, वरना मैं बॉम्बिंग ऑपरेशन चलाऊंगा। ओ, बॉम्बिंग नहीं सर, वो कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। चुप ससुरा, तू दरोगा है या मैं दरोगा हूँ? लेकिन सर वो तो कॉम्बिंग ही होगा सर। अरे ओ डकैतो, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ निकल बाहर। खर्राटे मार रही है। अगर फला चाहता है अपना तो निकल बाहर। अरे बाप रे बाप, वरना एक एक की खैर नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, निकल बाहर। क्या हुआ? कौन? अरे अरे अरे, ओ अविनाश, देख देख देख, लगता है बागीचे में कोई भैंस घुस आया है, उसे डंडा मार कर बाहर कर। अरे बाहर कर। अरे चुप 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 मामा चुप, पुलिस आई है। पुलिस? इलिस? नहीं नहीं नहीं, इलिस मछली तो घड़े के अंदर रख कर उसे थाली से ढक दिया हूँ, और उसके ऊपर मैंने पत्थर को रख दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्ली मछली कैसे खाएगी, ये जरूर भैंस है। किससे पाला पड़ा है? मैं साला, तू मेरा भांजा होकर इतनी गंदी बात मुझसे कर रहा है तू? मैं साला। मामा चुप चुप मामा, अरे पुलिस आई है। पुलिस? चुप कर दो, तब से तू मेरे कान में फिस किए जा रहा है। पुलिस आ गई। पुलिस? पुलिस क्यों? अरे ओ टका, तो आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, निकलो बाहर, वरना अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरी बार के लिए कहता हूँ, वो 5 लाख रुपए लेकर बाहर निकलो और मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। हाँ। अरे ओ डकैत, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? क्या बोल रहा है बोल तो? आपको बुला रहे हैं मामा। हाँ मामा, बुला रहा है, भोपू लेके बुला रहा है। क्यों? मुझे बुलाता है क्यों रे? मैं क्या चोर डकैत हूँ जो मुझे बुला रहा है? मामा मामा धीरे भाग लीजिए। वो लोग शायद, वो लोग शायद गोली भी चला सकते हैं। गोली? हाँ मामा, गोली। हाँ? गोली? हाँ? गोली चला देगा, गोली चला देगा। हाँ? इतनी हिम्मत? गोली? मामा, हे भगवान। सर, डाकू लोग तो अंदर ही है सर। देखिए कैसे चूचाव कर रहा है। चूचाव? वो क्या होता है? चूचाव वो मतलब, चूचाव का मतलब हुआ शोर मचा रहे हैं सर। शोर?
मनोहर बाबू, आप डरिए नहीं, बिल्कुल मत डरिए, हम आ गए हैं। मनोहर बाबू, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्यों बेगत है? कोई भी तो नहीं निकल रहा। हाथ में पिस्तौल लेकर आगे बढ़िए सर। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा के खुद मजे लेना चाहता है। गधे का बाप चोर चोर कहीं का नहीं जानता, उनके पास पिस्तौल हो सकती है। सर, बेवकूफ कहीं का। सर, वो देखिए बाहर निकल रहे हैं। हैंड्स अप, मामा तो। मामा जल्दी चलो ना मामा, बाहर निकल के पिस्तौल फेंक के हैंड्स अप। सर, सामने वाला तो मनोहर बाबू है सर, गोली वाली मत चला दीजिएगा। अरे नहीं नहीं तरीकी, मनोहर बाबू आप डरिए नहीं, मैं हूँ ना। पोजीशन ले। बड़े बाबू, ये सब क्या हो रहा है? तो मैंने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं। अरे डकैत, अभी तक पिस्तौल क्यों नहीं निकाला? पिस्तौल? अरे बाप रे बाप, ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम लोग अपने साथ पिस्तौल लेकर आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, पिस्तौल कहाँ मिलेगा? दरोगा साहब शायद कोई गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं? गलती? कजोदर महतो को कच्चा खिलाड़ी समझते हो? दरोगा गिरी करते दात। बड़े बाबू, पहले मुंह के सामने से भोपू हटाइए तो, तब से मुंह के सामने भोपू लेकर सुअर के जैसे किए जा रहे हैं। बात क्या है साहब, साहब बताइए तो। फिर भोपू उठा रहे हैं। आपके घर में 5 डकैत नहीं आए? डकैत मेरे घर में? हम लोग डाकू हैं क्या? अनाप शनाप बक रहा है मामा। अनाप शनाप? क्यों, और 3 डकैत कहाँ है? कहाँ है? ओ, अब वो 5 के बारे में बात कर रहे हैं। मुंह बंद रख तो, पहले बात को मुझे समझने दे। हाँ बोलिए। दरोगा साहब शायद हमें डाकू समझ रहे हैं। इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे भांजे को डकैत बोलते हैं? बड़ो बाबू, मेरा भांजा क्या दिखने में डकैत लग रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। लग रहे हैं मुझे। बड़े बाबू, आपको ये सही खबर मिली तो फिर मेरा नाम है कजोधर महतो। सभी कहते हैं मेरे डर से शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं। राइट। 5 आदमी 2 घंटे पहले यहाँ आए थे। आए थे? हाँ। दिखने में कैसे थे? इतने लंबे चौड़े, डाकू डाकू जैसे दिखते हैं। डाकू डाकू जैसे दिखते थे? बिल्कुल आपके जैसा। अबे छोकरे, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? छी छी, आपसे झूठ बोलूंगा? आप ठहरे कजोधर महतो। और वैसे भी हम पे शक हो तो आप गांव वालों से पूछ लीजिए। क्या हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 8 दिनों से हैं। हाँ। तो फिर डकैत कहाँ गए होंगे? बड़े बाबू, उन लोगों को ना सीधा रामनगर भेज दिया। रामनगर? रामनगर क्यों? रामभजन। यस सर। चलो चलो रामनगर। चलिए। 5 लाख रुपयों का सवाल है सर। रामनगर तो हमारे इलाके से बाहर है सर। बाहर? तो क्या होगा रामभजन? ये तो बहुत चिंता की बात है सर। अबे उल्लू, तूने उन्हें रामनगर क्यों भेजा? नहीं मतलब बड़े बाबू, मुझे क्या पता था कि आप 5 लाख रुपयों के लिए। शट अप रामभजन। यस सर। इसे थाने लेकर चलो। 5 लाख रुपयों का गम इसे पीट कर गलत करूंगा। लेकिन कीजिए, वो 5 डाकू परसों यही वापस आएंगे। हैं? वापस आएंगे? मतलब लौट कर क्यों वापस आएंगे? हमारी धुलाई करने के लिए। तब तो तुम मुसीबत में हो। इतने बेवकूफ समझे हैं मुझे, उससे पहले आपको खबर कर देंगे। वाह, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तुम जैसे नौजवानों के हाथों देश तड़ातड़ धड़ाधड़ आगे बढ़ेगा। कहते हैं मनोहर बाबू, सुन नहीं पाया बड़े बाबू। क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डकैत आए तो मुझे खबर करना, खबर मिलते ही मैं फौरन आ जाऊंगा। वो 5 लाख रुपयों की बात है। 5 लाख रुपए? अरे बाप रे बाप। अरे रामभजन जी, चलिए। बड़े बाबू, फिर आना, पेड़ पे केले हैं, खिलाऊंगा।
हाय राम। अरे आओ ना, इतने अरे जरा रुक। उफ, बाप रे बाप, आज ये मुसीबत है। अरे कहाँ छुपूं मैं? अरे वो उमापति है ना? हाँ, लग तो वही रहा है, पर उसके साथ कौन है? चलो देखो। हाँ चल। वो खतरनाक लड़की और आनंद इधर ही आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, यहीं पर आ रहा है। हाँ। क्या होगा? अरे क्या होगा, सर्वनाश होगा। तुम भागो। अरे बाप रे बाप, तैरना भी नहीं आता। मैं तो भागो, इधर भागो। चल चल चल, मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। भागो भागो भागो। अरे मैं तो जा रहा हूँ, तुम संभालो। लगा क्या? हट चलो। पागल है ना? वो कौन दौड़ के भागा? वो कौन? वो ओ शंकर किंकर। क्यों, वो भाग क्यों रहा है? अरे मुझे उसकी जरूरत है। तुम लोग बातें करो, मैं उस इडियट से जरा मिलकर आता हूँ, ठीक है? शंकर शंकर, अरे शंकर सुन, सुनना। अरे सुन, अरे तुझसे एक काम है, सुन। शंकर, वो इडियट इस तरह से भाग क्यों रहा है? वो एमीपिक डिसेंट्री। आप तो हमारे घर ही नहीं आए। हाँ आऊंगा, एक दिन आऊंगा। एक दिन क्यों, आज ही चलिए। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए। क्यों, आज क्यों रहने दो? आओ, मतलब अगर मैं अकेले आपके घर जाऊं तो शंकर को शायद बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? लेकिन उस नमूने को क्यों बुरा लगेगा? नमूना? हाँ, उस बेवकूफ नमूने को मैं अच्छे से जानती हूँ। आप उसे पहचानती हैं? हाँ, पहचानती हूँ। और वैसे भी उसके बुरा लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर शंकर गुस्सा करे तो? ठेंगा है मेरा, एक दिन में आपके उस मुच्छर दोस्त का मुच्छ मुनवा के मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, समझे? आइए मेरे साथ। क्या करूँ मैं अब? अगर मैं पकड़ जाऊँ तो कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। शंकर भागते क्यों? अरे रुक शंकर, सुन तो। कहाँ छुपू? हवा। शंकर, ए शंकर, 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 ए शंकर, शंकर, शंकर निकल बाहर आ। अरे निकल क्यों नहीं? कौन है रे? मैं। हैं? तुम कौन? हैं? कौन है? कौन है तू? मैं आनंद। क्या? गंध? कहाँ? मुझे तो कोई गंध नहीं मिल रही। मैं बिरजू बाबू का भांजा आनंद। ए, चिल्लाता क्यों है? मैं क्या बह रहा हूँ? हाँ, किसके घर में आए हो? जी बिरजू श्रीवास्तव का घर। काजू का बस्ता? नहीं, यहाँ तो काजू की खेती नहीं होती है। ओफ, काजू नहीं, बिरजू, बिरजू श्रीवास्तव का भांजा। ओह, ऐसी बात है, तुम हमारे बिरजू के भांजे हो। तो बिरजू काजू का धंधा कब से करता है? ओह गॉड। तो बेटा, तुम बाथरूम के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? लगता है बहुत जोर की लगी है ना? वो नहीं, वो शंकर बहुत देर से अंदर बैठा है, वो निकल नहीं रहा है, इसलिए। शंकर अंदर है मतलब? तू अंदर इतनी देर से क्या कर रहा है? रुको मैं देखता हूँ। शंकर, शंकर जल्दी जल्दी धो पोछ कर बाहर आ जा बेटा, सुगंध आया है। शंकर, शंकर, ओ शंकर, अरे बाहर आ जा बेटा, तू अभी तक अंदर क्या कर रहा है? मामा, मामा थोड़ा खिड़की के पास आइए ना, कुछ कहना है। मामा इधर आइए ना। तू वहां क्या कर रहा है? अरे भगाओ, भगाओ उसे। अरे भगाओ उसे, भगाओ। अरे ओ बेटा, सुनो, तुम अभी जाओ, उसे निकलने में देर होगी। देर होगी? हाँ। देर होगी क्यों? 15 मिनट तो बीत चुके, और कितनी देर? अरे समझते क्यों नहीं, सब कुछ धो धा कर निकलेगा तो। सब धोकर? हाँ। मतलब? अरे ये तो अच्छी मुश्किल है, है? अरे सब कुछ कपड़े में हो गया, समझते नहीं? डायरिया, डायरिया, समझती नहीं तू? समझ गया। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप उसे कहना कि कल दोपहर को मेरे मामा जी के घर आ जाए। दोनों पैर में? ये शंकर को दोनों पैर में क्या हुआ? अरे पैर में नहीं, दोपहर में। दोपहर में? दोपहर में मेरे मामा जी के घर आने के लिए कहिएगा। क्यों क्यों, टट्टी यहाँ करेगा, खाएगा तुम्हारे घर में क्या? ठीक है ठीक है, कर लो बात। अरे मेरे घर में इतना खाना और उसके मामा के घर में एक भी नहीं दाना, खाने जाएगा। शंकर, शंकर, ए शंकर, ओ बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर आ, चला गया बाहर आ। अरे बाप रे बाप,
मामा है? बाल बाल बच गया है? वो चला गया ना? हाँ वो तो चला गया। ए, तेरा क्या लफड़ा है बोल तो? सब बोलूंगा, चलो अब आप अंदर चलो, सब बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, लगता है दाल में कुछ काला है। अरे कुछ नहीं है, आप चलिए ना, सब बोलूंगा आपको, चलिए। चल चल चल, जल्दी चलिए ना, जल्दी चलिए। क्या हुआ शंकर, तबीयत खराब होगी क्या? हा? बात निकलने के लिए पेट में उछल रही है। बोल 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 बोल। लगता है आप पहली बार गांव आए हैं। वो जो तालाब दिख रहे हैं वो हमारा है। अच्छा, और ये हमारा घर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। पिताजी इस वक्त घर पे ही होंगे, आइए आपको पिताजी से मिलवाती हूँ। आइए। हाँ, चलिए आइए। हाँ, अंदर आइए पिताजी। हाँ? पिताजी। हाँ? इन्होंने मुझे कल सांप से बचाया था। ओ, अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो बैठो। हाँ, बैठो यहाँ बैठो। हाँ, ये तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी, समझे? क्यों क्यों का मतलब? अरे तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। वो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं मतलब? ये क्या बोल रहे हो, मेरी बेटी की जिंदगी कुछ भी नहीं? मतलब मेरा मतलब वो नहीं था। पर तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? अरे मुझे देखकर तो चूहे भी नहीं डरते हैं, समझे? नहीं, नर्वस होने का कोई सवाल ही नहीं। खाओ खाओ खाओ। हाँ, तो वो सांप कितना लंबा था बताओ तो? हाँ हाँ हाँ, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा सांप। इतना बड़ा? किस रंग का था? रंग? काला, बिल्कुल काला। लगता है बहुत जहरीला होगा। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? ओहो, मेरा नाम नहीं पिताजी, आपका नाम। हाँ, पूछ रहे हैं। ओह, मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम है उमापति चौधरी। उमापति जी? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम। तो बात ऐसी है मामा, तभी से मैं अपना नाम बदल के शंकर बन के घूम रहा हूँ। तो ये है तुम्हारी असली कहानी। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब शंकर का प्लान है। हाँ? बोल दिया मैंने। तू एक बहुत बड़ा गधा है, तुम्हारे बाप को एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाया, इसलिए मुझसे संबंध तोड़ दिया। लेकिन तुम मेरा भांजा होकर तुमने मुझसे ही पहचान छुपाई। अरे कोई परवाह नहीं है, सब मुश्किल आसान हो जाएगी। ओ कहते हैं ना, मामा भांजा हो जहां कोई दिक्कत नहीं वहां। हैं? अरे मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। मुझे तेरा वो झिंका लिखा, कल क्या हालत हुई थी उसकी। अरे कल तो उसके कपड़ों में ही निकल गई थी। अरे वो तो अच्छा हुआ जो मैं हरकिंकर की बातों में नहीं आया। हाँ। वरना उस जैसे गोबर गणेश को दमाद बनाकर घर लाना पड़ता। अरे ओ बिरजू, घर में ही हो क्या? अरे मनोहर भैया, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। ठीक है ठीक है। तो फिर आप तो इधर के रास्ता ही भूल गए। आ ही नहीं पाता। और हाल चाल सुनाइए। अरे हाल चाल सुनाइए। कम्बल? अरे इतनी गर्मी में कम्बल ओढ़ेंगे? ठंड पड़ेगी तो कम्बल ओढ़ लेंगे। अपने कान का तो सत्यानाश करके बैठे हो, असली बात जो है कहो। असली बात? हाँ। हाँ, कभी कभी ठीक सुनता हूँ, समझे? हाँ। तो बिरजू, हाँ? मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तो कीजिए ना, कीजिए कीजिए। तुम तो जानते हो भाई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी इतनी सारी जायदाद कैसे संभालूंगा, ये सोचकर मैं चैन से मर भी नहीं पा रहा हूँ। मरे आपके दुश्मन। आम, तेरी इच्छा है तो एक मिठाई आम दे दे।
तो समझे ना बिरजू भाई, यही सब सोच कर ना मैंने एक लड़के को गोद ले लिया है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ बिरजू भाई, इस लड़के ने मेरी जिंदगी बदल दी, समझे। अब मेरे दिल में दुख दर्द कुछ भी नहीं। वाह। हाँ, कहता है शहर से मेरे लिए कान की एक मशीन लेकर आए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो उस लड़के का नाम क्या है भैया? अरे बिना हिचकिचाए और लड़के का नाम बोल ही दो। उमापति। हाँ? सुना है उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत मुश्किलों से बड़ा हुआ है। तो फिर मैंने तो सुना है वो लड़का आपके भांजे का दोस्त। अरे छोड़, वो तो है एक नंबर का गधा। हाँ, कहना था कि तुम वो अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं उसे घर की बहू बनाऊंगा। हाँ, क्या दोगे बिरजू? अब असली बात बताता हूँ। बोलिए बोलिए। तुम्हारी उमा और मेरे उमापति के बीच थोड़ा सा हो गया है। मतलब पतंग से डोर बंद गई है। ए बेटी, सच्ची बात बता दे बेटी, नहीं तो हम भी पतंग जैसे उड़ जाएंगे। बोल 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 बोल। देखो देखो देखो, मेरी कही बात बिल्कुल सच निकली। मनोहर भैया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या? तो तुम राजी हो? राजी, राजी? हाँ राजी। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। ठीक है ठीक है, तो फिर परसों लगन। परसों? अरे बाप रे, अरे बाप रे क्या, अरे बाप रे क्या, बोल दिया परसों लगन तो परसों लगन। मतलब परसों मतलब इतना जुगाड़ जंत्र? मंत्र वो तो पंडित पढ़वाएगा, उसमें मेरा क्या। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, परसों होगा। परसों? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अविनाश, चल 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 चल, बहुत काम पड़ा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। परसों माँ की शादी। किसको चाहिए? ये शंकर का घर है ना? जी हाँ, आप कौन है? मैं शंकर का दोस्त राजन हूँ। शंकर के? ओ, छोटे मालिक के दोस्त है, पहले कहना चाहिए। अंदर आइए। एक मिनट। क्या हुआ? मैं मौसी जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ। अगर तुम मुझे सीधा उनके पास लेके गए तो ये पैसे तुम्हारे, समझे? समझा मतलब एकदम पानी की तरह साफ साफ समझ गया। अब देर मत कीजिए, आइए। चलिए मालिक। ये देखिए तो, ये लड़का किससे मिलने के लिए आया है? किससे मिलना है? मौसी जी से। मौसी जी से? कौन मौसी जी? मौसी जी मतलब गौरी देवी। गौरी देवी तुम्हारी मौसी जी कैसे हुई? नहीं मतलब मेरी पत्नी की कोई बहन है, मुझे मालूम नहीं था। और उसके अलावा शादी के लायक कोई लड़की भी तो नहीं है मेरी। तो क्या हुआ? हुआ हुआ हुआ, कुछ हुआ। अगर मेरी शादी के लायक कोई लड़की रहती तो तुम मौसी जी कहकर क्यों बुला रहे हो, इसका एक मतलब होता। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? जा अंदर जा। गुस्सा क्यों हो रहा है? जा रहा हूँ। हर वक्त जा रहा हूँ ना, बड़ों की बात सुनना। जा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बोलो क्या कहना है? मुझे जो भी कहना है उन्हीं से कहूंगा। कह रहा हूं पहले मुझे बताना पड़ेगा। क्या हुआ, बोलो क्या कहना है? बोला तो जो भी कहना है उन्हीं से कहूंगा। अरे तुम तो बहुत जिद्दी लड़के हो। जरा सुनिए, आप मेरे साथ अंदर आइए, मालकिन आपको बुला रही है। चलिए चलते हैं। आइए आइए, लो कर लो बात। मालकिन, यही वो लड़का है। उमा, आओ आओ आओ, रेंदो रेंदो, जीते रहो जीते रहो जीते रहो बेटा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मेरा नाम राजन मल्होत्रा, मैं आपके बेटे शंकर का दोस्त हूँ। अरे वाह,
तुम मेरे शंकु के दोस्त हो? मेरे शंकु का दोस्त है। तुम अकेला क्यों आए हो? अकेला क्यों आए हो? शंकु कहाँ है? ओ ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, कुछ हुआ तो नहीं? बिल्कुल ठीक है, वो उसने मुझे भेजा है खबर देने के लिए। खबर? कैसी खबर? अजीब बात है, ये बोल क्यों नहीं रहा है? ये इधर उधर क्यों देख रहा है? क्या खबर? बोलो ना बेटा क्या खबर? मतलब खबर कुछ खास है मौसी जी। खास खबर? हे भगवान, खास खबर, मैं तो बेचैन हो गई। बोलो बोलो बोलो, बोल दो बोल दो। थोड़ा पास आई, पास जाओ। हे भगवान, बोलो। और थोड़ा पास, और करीब। हे भगवान, ये तो बहुत खास खबर है। हे भगवान, बोलो। अरे हे भगवान, ओम हाँ, हे राम। मालिक, मालिक। हाँ? बोल रहा था मैं, ये बाइक बहुत सुंदर है। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। आप इस पर चढ़ेंगे तो आप एकदम हीरो जैसे लगेंगे। सच में? हाँ, सच में। बदन में ताकत देख रहा है। कैसी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हारे वो पुराने बैलगाड़ी से काफी बेहतर है। तुम ये कह पाई? तुम कह पाई बैलगाड़ी? तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? पर ये गाड़ी, मतलब ये मोटर गाड़ी सच में सुंदर है। देखो कैसे मोटा, भारी, मुस्टंडी, प्यारी, तुम्हारी तरह। गाड़ी किसकी है जानते हो? और किसकी? इस लड़के की। सोचो अगर ऐसी एक गाड़ी तुम्हें मिल जाए। ऐसी गाड़ी अगर मेरी होगी? रहने दो, मेरी पुरानी बैलगाड़ी ही अच्छी है, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको लेना है ये बाइक? हाँ, मैं ले लूँ। हाँ। क्यों? क्यों? तुम्हारी गाड़ी मैं क्यों ले लूँ? नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है सोचो, सोचो, वो ये गाड़ी अगर तुम्हें दे दे तो। ये कभी हो सकता है? लेकिन हाँ, इस तरह की गाड़ी में अगर मैं बैठूं तो बहुत जचेगा। बिल्कुल, और गांव वाले भी तब तुम्हें उस नाम से नहीं बुलाएंगे। ये देखो, तुमने भी सुना है? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी, सबको पता है। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ये पुरानी टूटी फूटी दुबली पतली सी गाड़ी और उसके ऊपर तुम ये नहीं कहेंगे। खैर जाने दो, सुनो मैं कहती हूँ उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा के आज से तुम इसी गाड़ी पे चढ़ोगे। मतलब? मतलब और क्या, ऐसी एक गाड़ी के लिए तो अपने ससुराल से नाता तोड़ चुके हो। ठीक किया है, यही करना चाहिए। इतना बुरा बर्ताव कुछ भी नहीं दिया। अकलौता दामाद। दामाद, हालत तो देखो दामाद की। सुनो, ये गाड़ी मेरे भैया ने तुम्हारे लिए भेजी है। मनोहर भैया मेरे लिए ये गाड़ी भिजवाई है? मेरे लिए? अरे दा, इतने दिनों के बाद दामाद के कदर मालूम। मौसा जी, और एक गुड न्यूज है आपके लिए। इसके बाद भी एक और गुड न्यूज है? वाह 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 वाह, कितने प्यारे बच्चे हो तुम, मैंने खामखा इसे गलत समझा। बोलो 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 बोलो। गुड न्यूज आपको मनोहर मामा से ही मिलेगी, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आज ही आपको गोपालगंज लेके जाऊं। अरे जरूर जाऊंगा। अरे मनोहर भैया ने मेरे लिए इतनी सुंदर गाड़ी भिजवाई है और मैं नहीं जाऊंगा? चलो चलो। खुशी से एकदम उछल रहे, उछल रहे। सुनो, बेटे के बारे में कुछ अता पता है तुम्हें? ओ हाँ, ओ शंकर, शंकर कहाँ है? कुछ खबर मिली है शंकर की? मौसा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शंकर मामा के पास है और बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने? सुना तुमने? मामा के घर में छुपा बैठा है। तुमने मुझे एक दिन में आज दो दो खुशखबरी सुनाई है। अरे अरे मौसा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे उतारिए, अरे गिर जाऊंगा मौसा जी। जो भी विधि विधान है पंडित जी, जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, समझ गए?
नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे होगा चतुर्वेदी जी? अरे होगा होगा, सब होगा, अब तो होगा। हाँ होगा होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा, सब हो जाएगा। देखिए अभी ये लो बेटा, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम साथ साथ बोलना, ठीक है? बस बस मौसा जी, पहुँच गए पहुँच गए। अरे नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए अंदर आइए। नमस्ते नमस्ते भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक हो। इधर सुनो इधर सुनो, ये तो मुझे लगता है शादी का घर है। मनोहर भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मौसा जी, मामा का लड़का उमापति, उसी के साथ तो माँ की शादी है। हाँ? मामा का लड़का, अजीब बात, मनोहर भैया के लड़का कब हुआ? मामा का तो कोई लड़का नहीं है। ये देखो अभी कहा मामा का लड़का उमापति, अब कह रहे हो कि मामा का कोई लड़का ही नहीं है। अरे मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, आखिर बात क्या है? असल में मौसा जी, उमापति को मामा जी ने गोद लिया था। ये कहो ना, गोद लिया हुआ लड़का, लेकिन उन्होंने कब गोद लिया मुझे तो पता ही नहीं। छोड़ो जाने दो, किसके साथ शादी हो रही है? अरे वो बिरजू श्रीवास्तव है ना, उन्हीं की बेटी उमा के साथ तो शादी हो रही है। बिरजू की लड़की की साथ मनोहर के लड़के की शादी? मेरे पास तो यही खबर है मौसा जी। बिरजू ने मुझे कुछ भी बताया नहीं और लड़की की शादी कर दी। अरे बिरजू तूने ऐसा किया, एक बार भी मुझे बताया नहीं, लड़की की शादी कर दी मनोहर के लड़के के साथ। समझा समझा, इसीलिए रिश्वत में मुझे बैग दी गई है, इसीलिए। हराम जादे, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बिरजू हराम जादा कहाँ है? आज वो रहे या मैं रहूँ, कहाँ है बिरजू हराम जादा? कहाँ है, कहाँ है बिरजू हराम जादा? अरे बाप रे बाप, किधर है? अरे मौसा जी, अरे शांत हो जाइए मौसा जी। कहाँ है, अरे कहाँ है तू, हिम्मत है तो सामने आ, कहाँ है बिरजू? अरे बाप रे, उस चंडाल से मुझे बचा लीजिए मनोहर भैया। पंडाल, पंडाल तो ठीक ही है। अरे बाप रे, पंडाल नहीं पंडाल नहीं, उस चंडाल से मुझे बचाइए। कहाँ है बिरजू? यहाँ है, बिल्ली चूहा बंदर गधा। अरे सुनो ना मौसा जी, गुस्से से लाल हो गए हैं, अब क्या होगा? रुको रुको रुको, छी 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 छी, मुझे जबान देकर छुप छुप कर अपनी लड़की की शादी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे उन्हें क्या हुआ, वो इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त है वो, तुम्हारे पापा ने उन्हें न्योता नहीं दिया इसीलिए शायद गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ही दुख हुआ उन्हें। ओ चंडाल, उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे दो मिनट में समझा देता। अरे रे 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 रे, मुझे छोड़ दो रे, अरे रे रे, चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, कब से देख रहा हूँ हल्ला किया ही जा रहे हो, मैं तुम्हें देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस हरामजादे से पूछो मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। तुम ज्यादा गड़बड़ मत करो, तुम चिल्लाओ मत, नहीं तो उठा के गंगा के बीच में फेंक दूंगा तुम। भाई जा कहीं का, तुम जाए कोई भी, वो तुम कुछ भी कर लो, मगर इस गधे की सूरत में कभी नहीं। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे बचाओ। ये क्या, वो कौन है? अरे बाप रे बाप, वो तो मेरा, बोलो मत, बोला ना, चुप चुप, तब से चिल्ला चिल्ला कर यहाँ का माहौल खराब कर रहा है। सुनो मैं जो कह रहा हूँ सुनो, सुनो ना। अरे मेरे प्यारे साले, अरे प्यारे बंधु, अरे उल्फत वाला नजरों ने ऐसा डाला, नजरों ने छीनी मेरी जान, ऐसी निगाहों पे कुर्बान। अरे ये क्या गाना गा रही हो, दूसरे कोई गाना है तो गाओ। वे लिया छोड़ के तू कौआ ले आया, और हिंदुस्तानी से एकदम अंग्रेज बन गया। वे लिया छोड़ के तू कौआ ले आया,
और हिंदुस्तानी से एकदम अंग्रेज बन गया। ये सूट बूट और पार्टी मस्ती आन बान शान, क्यों भूल गया तू अपनी जात अपना हिंदुस्तान। ओ बंगाली भाई चल मिल के खाए बंगाल की मिठाई। ओ बंगाली भाई चल मिल के खाए बंगाल की मिठाई। दाल रोटी का कमाल, कुश्ती और देसी चाय, ये बर्गर और सैंडविच का कर देगा बुरा हाल। क्या मीठा घर का खाना, क्या मीठा पानी दे, और दिल में अपने नाज है हम हिंदुस्तानी रे। ये बंगाल की नारी और सारी कहाँ मिलेगी, ये धोती पंजाबी में लगे परफेक्ट बंगाली। ओ बंगाली भाई चल मिल के खाए बंगाल की मिठाई। बोल बोल बोल। ओ बंगाली भाई चल मिल के खाए बंगाल की मिठाई। ओ बंगाली बाबू क्यों भूल गया तू खुद है बंगाली, बंगाली। ओ बंगाली बाबू क्यों भूल गया तू खुद है बंगाली, बंगाली। कवि गुरु और नेताजी है, स्वामी जी है सबका। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हम इस मुल्क के वासी है, ये है अपना हिंदुस्तान। क्या बात, क्या बात। कहाँ पे है ऐसी खुली हवा, नदिया की धारा, इस देश का मंजर है हमको बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही प्यारा। हर जुबा के लोग संग संग रहते हैं यहाँ, हर जुबा के लोग संग संग रहते हैं यहाँ। और कवि गुरु के लिखे गीतों का सम्मान। अरे उसने तो मेरी पसंद की लड़की के साथ में शादी की, फिर फालतू में इतनी तकलीफ देकर सबको क्यों नचाया हैं? अब मैं चलूं पिताजी। चलूं पिताजी मतलब? मतलब ये राजन को लेकर थोड़ा आसपास घूम के आऊं। चल राजन। क्या बोल रहे थे बोलो? रिसेप्शन, रिसेप्शन का इंतजाम करना होगा। देखो हरो, गौरी की शादी के बाद से आज तक तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उमापति का रिसेप्शन यही होगा, लेकिन हाँ, नहीं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन गौरी, लड़के के रिसेप्शन में उसकी माँ ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मैं हूं ना, मैं खुद जाके मौसी जी को ले आऊंगा। वो तो ठीक है, तुम ले आओगे, लेकिन मनोहर भैया इस बार मैं एक बात कहूंगा, मतलब कल से तुम लोगों ने कुछ कहने ही नहीं दिया मुझे, कुछ नहीं कहा है मैंने, लेकिन आज कहूंगा और जरूर कहूंगा। मैं परसों बेटे और बहू को लेकर घर जाऊंगा, बस। राजेन प्लीज पिताजी को मैनेज करो। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल नर्वस मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अब मौसा जी एक बात कहूं,
बोलो बोलो बेटे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बोलो क्या कहना है। एक्चुअली उमा आपके पुराने मूंछ वाले शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। वैसे भी उसे तो हकीकत भी नहीं मालूम, इसीलिए क्या जल्दबाजी करनी ठीक होगी? मैं बोलना चाहता हूँ कि अचानक पता चलने से उसे बहुत दुख होगा। सूद? नहीं नहीं, सूद क्यों देंगे? अरे मामा, सूद नहीं, दुख। दुख? ओ दुख। हैं? दुख? किसने किसको दुख दिया? अरे बाप रे बाप, मैं पगला हो जाऊंगा। मुर्गा? क्यों मुर्गा क्यों कटेगा? अरे शादी है तो बकरा कटेगा, बकरा, समझ गए? अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम वही भैंसा का भैंसा रह गया। मैं बोल रहा था कि सब कुछ अगर धीरे धीरे हो तो ठीक है, ठीक है, हम सब कुछ मैनेज करेंगे। ए, मैं सबके लिए लड्डू बनाऊंगा, गोंद का। क्या? गोंद ही तो बोला, कुछ और तो नहीं बोला। तुम्हारी वजह से नकली मूंछ लगा के मेरे नाक के नीचे रैशेस निकल आई है। वी वी वी। देखो बॉस, वो दोनों एक साथ यहाँ पे बैठे हैं। शंकर? हाँ? अरे बाप रे बाप, वो देखो वो लोग आ गए। अरे अरे अरे, मैं तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। ज्यादा छक्का पंजा किया ना, इसे देखा तुमने? उड़ा दूंगा। अरे थोड़ा ठहरी ठहरी ठहरी, आप लोग जिस दिन आए थे ना इस जगह पे, उसके कुछ देर बाद ही राजन आ गया था, और आप लोगों को देखते ही मैं समझ गया था दाल में कुछ काला है, इसलिए मैंने समझदारी से राजन को यहाँ पर पकड़ के रखा था आप लोगों के लिए। क्यों, सही किया ना? ये छोकरा बहुत सियाना लगता है, इसके साथ बहुत दिमाग से खेलना पड़ेगा। चिंता की कोई बात नहीं है उस्ताद, अगर उल्टा सीधा किया तो घोड़ा दबा दूंगा। चुप, गधा कहीं का, तब से मेरे कान के सामने काई काई करके कान खा रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, इडियट कहीं का। सर, कितने दिनों से मैं आपकी ये एटीट्यूड लेके घूम रहा हूँ, आप थोड़ा देख लेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं? मूव उस्ताद, एटीट्यूड ले ले। वन मिनट उस्ताद, पुलिस उस्ताद। अब मेरे शिकंजे में फंस गए हो बच्चू। अदरा उठाओ। अरे तुम नहीं, तुम हाथ नीचे करो। यस, ये अरे यही तो सुबोध चौधरी है, इस एटर्ची का मालिक, और उनकी बेटी मीता जिसे इन्होंने किडनैप किया था। लेकिन वो लोग यहाँ कैसे आ गए? खबरदार। तो सर, माल के साथ सबको गिरफ्तार कर लिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। सर, आपकी एटर्ची थोड़ी देख लीजिए, इसमें पूरे 5 लाख ही है। कैन आई बिलीव दिस? क्या तुम सचमुच मेरे पैसे लौटा रहे हो? क्यों नहीं लौटाऊंगा, ये तो आप ही का पैसा है सर। एसपी साहब, क्या सचमुच हम लोग 21st century में हैं? मैं यकीन कर नहीं पा रहा हूँ और सोच भी नहीं पा रहा हूँ। वेल डन यंग मैन, वेल डन। अपनी जान पर खेलकर तुमने इतनी बड़ी रिस्क ले ली, आज के जमाने में ये एक मिसाल है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। पापा, मैं उससे कुछ बात कर सकती हूँ? जा बेटी, इस ब्रेव यंग मैन को अगर तुझे कुछ कहना है तो कह दे, और तुम भी जाओ अपनी फैन के साथ में बातचीत कर लो। प्लीज चलिए ना, हम लोग थोड़ा उधर से घूम के आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती थी ना? आज नहीं, किसी और दिन बोलूंगी। मैं एक बात बोलूं? बोलिए। आपके साथ
लगता है फिर से मुलाकात होगी, होगी ना? आपको जब उस खंडार में पहली बार देखा था, आपने जब मुझे विश्वास दिलाया कि मैं तो हूँ ही, आपको डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास कीजिए, तब मुझे ऐसा लगा मैं आपको बहुत दिनों से जानती हूँ, लेकिन पहले तो आपको कभी नहीं देखा। अचानक उस दिन ऐसा क्यों लगा? मेरा नाम है मीता, मीता चौधरी। मैं डायमंड सिटी में रहती हूँ। सेंट मेरी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स लेके सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। पापा के लिखे हुए चिट्ठी से आपका नाम जान पाई, राजन, राजन मेहरा। आपके नाम के सिवाय और आपके बारे में कुछ नहीं जानती। बोलने लायक मेरे बारे में कुछ है भी नहीं। 12 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खो दिया। उसके बाद कभी मामा के पास, कभी मौसी के पास रह के इतना बड़ा हुआ। आपको पता है, आर्ट कॉलेज से निकलने के बाद भी ना, मैं एक भी नौकरी का इंतजाम नहीं कर सका। एनजी रोड पे एक मेस पे रहता हूँ और कभी कभी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस करता हूँ, और उनमें से कभी कभार एक दो पेंटिंग बिक भी जाती है। बस ऐसे ही चलती है मेरी लाइफ। वाओ, वंडरफुल, फैंटास्टिक। क्या फैंटास्टिक? क्यों, आपकी ये लाइफस्टाइल, आपकी ये केयरफ्री लाइफ, आप बहुत सुखी है ना? मेरे तरह सुखी अगर दो दिन रही ना मैडम, तो आपको भी पता चल जाएगा। कुछ बोले? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपके पिताजी वेट कर रहे होंगे, चलिए हम चलते हैं। अरे राजन जैसा लड़का तो किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम लोग आ गए? जस्ट अ मिनट। ये रुपए मैं लाया था मेरी इकलौती लड़की को छुड़वाने के लिए। जब मुझे लड़की मिल ही गई तो इस रुपए पर मेरा कोई हक नहीं। ये रुपए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारी ब्रेवरी और ऑनेस्टी के लिए। पता है सर, 5 लाख रुपए कम नहीं है, लेकिन लालच होता तो आपका पैसा लौटाने के लिए नहीं रखता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चौधरी साहब, इन डेंजरस डकैतों को तो मैंने ही गिरफ्तार किया है, ये 5 लाख रुपए तो मुझे ही मिलने चाहिए ना। अफसर महातो, जाइए इन किडनैपर्स को थाने में ले जाने का इंतजाम कीजिए, जाइए। ओके सर। एक मिनट सर, उनके खिलाफ भले ही पापा को शिकायत हो, पर मेरी कोई शिकायत नहीं है। क्या कह रही हो बेटी, वो लोग किडनैपर नहीं है? नहीं पापा, अगर वो किडनैपर होते तो मुझे बेटी नहीं बोलते, और उन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी नहीं की। सोच सकते हो पापा, वो खुद ना खाके मेरे लिए अपनी चांदी की ताबीज बेचकर मुझे खिलाना चाहते थे, वो कैसे किडनैपर्स हो सकते हैं? सॉरी भाई, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी तुम लोगों की इंसानियत को पहचान गई। मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। हाउ स्ट्रेंज इट इज। एक बात कहूं भाई? बोलिए। अगर मेरे इस 5 लाख रुपए में से तुम्हें कुछ दूं, तुम लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, नई जिंदगी के लिए, क्या तुम लोग एक्सेप्ट करोगे? आपके सामने विनती करता हूं, ये रुपए लेने के लिए हमें अनुरोध मत कीजिए प्लीज। आज इन दोनों बच्चों के पास बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी जिंदगी को नई तरह से शुरू करेंगे सर। बिल्कुल नई तरह से। पर ये रुपए के बारे में सोचकर नहीं, मेरी ये बेटी के बारे में सोचकर। इससे पहले हम लोगों को पकड़कर मार पीट कर, जिसे आप लोग हमें नहीं सिखा पाए, वो चीज इन कुछ दिनों में ये छोटी सी बच्ची ने हम लोगों को सिखा दिया। चलो एक मिनट सर। बेटी, तुम्हें हैट्स ऑफ। नाउ मूव। Thank you.
फॉरवर्ड फॉरवर्ड। आइए सर। 5 लाख नहीं मिले। 5 लाख रुपया नहीं मिले। टाटा टाटा। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपया नहीं मिले। आइए सर। गाड़ी में। हाँ चलिए। अरे जाओ बात करो। मिता तुम जा रही हो? मैं शहर में तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। जाओ। ओके। या कैसी है ये बेकरारी, कैसा अनबन, बेबसी के साए में सोया दिल का अमन। प्यार से देखो सब है प्यारा यहाँ। कैसी है ये बेकरारी, कैसा अनबन, बेबसी के साए में सोया दिल का अमन। प्यार से देखो सब है प्यारा यहाँ। नफरत जितनी हो मिट जाएगी, रहना जफा की सारी कहीं ढल जाएगी। एक प्यार ही रहे जिंदा यहाँ। एक प्यार ही रहे जिंदा यहाँ। प्यार से देखो सब है प्यारा यहाँ। नफरत जितनी हो मिट जाएगी, रहना जफा की सारी कहीं ढल जाएगी। एक प्यार ही रहे जिंदा यहाँ। एक प्यार ही रहे जिंदा यहाँ। प्यार से देखो सब है प्यारा यहाँ। प्यार से देखो सब है प्यारा यहाँ। Love, it's only love. There is nothing in this world above love. Love, it's only love.
There is nothing in this world I love. अरे बेटी देखो देखो देखो, अरे अंदर आओ ना तुम लोग, देखो देखो कौन आया है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? इसका जवाब तो तुम दोगे। तुम्हारा प्यारा बेटा बहू को अकेला छोड़कर शहर में जाकर बैठा हुआ है, तो ये क्या बत्तीसी निकालकर ही हंसेगी? खुदकुशी? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो लोग खुदकुशी करेंगे? अरे बाबा खुदकुशी नहीं, बत्तीसी। ओ खुशी खुशी, ये भी कोई कहने वाली बात है? शादी के बाद दुल्हा दुल्हन के दिल में खुशी खुशी गिटार बजता ही है। अरे ये क्या, आप यहाँ पर कैसे? अरे ओ, ओ नहीं, मतलब बेटी तुम उसे पहचानती हो क्या? वो कौन है? नहीं पहचानूंगी। ऐसे अतरंगी बेढंगे नालायक नमूने बेवकूफ इंसान को जो एक बार देख ले वो कभी नहीं भूल सकता। नहीं मतलब उमापति से रास्ते में मिले, उसे आने में थोड़ी देर होगी इसलिए ये भेज दिया। ओ उमापति, उमापति ने तुम्हें भेजा है? हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलता हूँ। आओ आओ चलो चलो। चलो टाटा। चलो। उफ, अजीब इंसान है। बुद्ध को जरा घर से भगा कर आता हूँ। अच्छा। क्यों क्यों, तुम लोगों को क्यों जगाओगे? जिसको सोना है सोने दो ना। गधा कहाँ है गधा? अरे विनाश देखो गधा फिर से घुस गया। उफ, सिर्फ 15 दिन, तुम चली आई, मेरा घर तो एकदम सूना हो गया है बेटी, इसलिए चला आया। तो खुश है तो बेटी? हाँ मैं खुश हूँ पिताजी, बहुत खुश हूँ मैं। चित्तरंजन अस्पताल में उमापति नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैंने खुद जाकर पता लगाया है। कौन कौन है वहाँ? आपकी इतनी हिम्मत कि आप सीधा मेरे बेडरूम तक घुस आए? शर्म नहीं आती आपको? आप इतने बेशर्म हैं। आप लोगों ने किसी ने भी उमापति की इस तस्वीर को लटकाया नहीं तो मैं नहीं लटका दिया। अभी निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं सबको बुलाऊंगी। निकले यहाँ से। क्या आप गुस्सा हो रही है? आप बेशर्मों की तरह पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं, आपको मैं पुलिस में दूंगी। निकले यहाँ से, निकलिए। डांटिए मत प्लीज, मेरा हार्ट बहुत नाजुक है। ये क्या, ये किसकी तस्वीर है? तस्वीर? वो तस्वीर? हाँ वो तो उमापति की तस्वीर है। आप चुप रहिए, वो तस्वीर तो आपकी है। मेरी? हाँ वो, हाँ, हाँ, हाँ आपने सही कहा है, वो मेरी ही तस्वीर है। क्या? हाँ। मैं ही आपका अजीब नमूना भालू बंदर, और मैं ही अपना श्रीमती उमारानी का उमापति श्री शंकर किंकर गायकवाड़। माय गुडनेस। हाँ बहू, हाँ वही मेरा शंकर किंकर। हाँ। और वही तुम्हारा उमापति। क्या समझी? अरे अरे उमा क्या हो गया? अरे 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 क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? अरे अरे फल आने से पहले ही पेड़ गिर गया। उमा अरे क्या हो गया? अच्छा इतना उतावला होने की क्या जरूरत? हवा हवा। अरे बाबा मेरा लड़का तो खुद डॉक्टर है, वो अपने मरीज को ठीक संभाल लेगा। तुम चलो तो यहाँ से, अब वो लोग अकेला रहने दो। चलो 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 सब आएंगे। चलो चलो तो सही, हम लोग भी निकल जाएं। हाँ हाँ मनोहर भैया, अभी इन लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। हाँ हाँ चलिए चलो चलो चलो। अरे ओ क्या नाम है तुम्हारा, तुम यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो? कबाब में हड्डी कहीं का, चले आओ चले आओ। गेंडा जैसा यहाँ पर बैठा हुआ है। सच में शंकर तू एकदम जीनियस है। साला इतने दिनों के बाद समझ में आया। यस सर। टाटा बाय, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ओ भांजे ये है तुम्हारा पहला मरीज, शुरुआत अच्छी हो।
तुम्हारी पहली प्राइवेट प्रैक्टिस।